हेलो 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 दोस्तों, आवाज़ तो पहचान ही गए होंगे। ये वही आवाज़ है जिसने वेस्टिज के काफ़ी लीडरों का बेवकूफ़ बनाया है और अपने आप भी बेवकूफ़ बना है। और इसको अब पता चल गया होगा कि ग्रॉस के जितने भी लीडर हैं वो अपने आप में शेर हैं, किसी के धोखे में नहीं आने वाले हैं। बहकावा देकर एक आध लीडर को ले जरूर सकते हैं, लेकिन इन कुकर मुत्तों को ये समझ लेना चाहिए कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। वेस्टिज का एक लीडर विनफिनिथ के अंदर बेकूफ बन करके फिर वेस्टिज के अंदर आ गया है। अब आगे की कहानी हम उसी यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर से सुनना चाहेंगे, विनफिनिथ के अंदर उसको कैसे बहका कर ले जाया गया था। गुड मॉर्निंग लेडर्स, मेरा नाम राजू अंसारी और मैं वेस्टीज में यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर था। और किसी के बहकाने से मैं 7 महीना पहले विनफिनिथ जैसी बकवास कंपनी को मैंने ज्वाइन कर लिया। और कहीं ना कहीं इस 7 महीने के अंदर में मैंने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखा। विनफिनिथ के जो मैनेजमेंट हैं मंजूनाथन जी, वो कहीं ना कहीं लोगों को बड़े बड़े वादे करते हैं, कहीं ना कहीं लोगों को बहकाते हैं, प्रलोभन देते हैं और मिसगाइड करते हैं और फिर उसके करियर के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ, क्योंकि मैं जब 7 महीना पहले किसी के कहने पे जब आया तो देखने में तो अच्छा लग रहा था, लेकिन जब काम करना शुरू किया धीरे धीरे सारी जानकारी पता चला कि अंदर हो क्या रहा है। खैर, मैं अपनी गलती का पश्चाताप कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो गलती किया वो गलती आप लोग ना करें। क्योंकि वेस्टीज जैसा मैनेजमेंट, वेस्टीज जैसा अपलाइन, वेस्टीज जैसा इन्वायरमेंट, वेस्टीज जैसा कॉन्सेप्ट इस धरती पे कहीं नहीं है। और मैं खुद एहसास कर पाया 7 महीने में कि मैंने जो भी डिसीजन लिया विनफिनिथ में आने का, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलत डिसीजन था। वेस्टीज मैनेजमेंट से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैंने जो गलती किया दोबारा नहीं करूँगा और मैं फिर से वेस्टीज में काम करने के लिए तैयार हूँ। और पूरे जोश और जुनून के साथ, पूरे टीम के साथ फिर से मैं काम करना चाहता हूँ। मुझे एक मौका दीजिए, जो मैंने गलती किया ये दोबारा नहीं करूँगा। अगर ऐसा गलती दोबारा हुई तो मेरी आईडी को हमेशा के लिए रिजेक्ट कर दिया जाए, क्योंकि मैं दोबारा कोई किसी तरह का गलती नहीं करना चाहूँगा। और मैं हमारे जितने भी अपलाइन हैं, सिद्धार्थ सर, संजय सर, संतोष यादव सर, जितने मोइन सर, जितने भी अपलाइन हैं हमारे, उन लोगों के साथ जो भी दिल दुखाया, अपने डाउनलाइन के साथ जो भी मेरा दिल दुखाया, मैं अपनी गलती का एहसास करता हूं। और मैं वेस्टीज मैनेजमेंट से गुजारिश करना चाहूँगा कि मैं फिर से उसी जज्बे के साथ, मैं एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए मैं काम को फिर से शुरू करना चाहता हूं। बस एक मौका फिर से मिल जाए ताकि मैं प्रूव कर सकूं कि मैं वेस्टीज प्लेटफॉर्म को दिल से किया भी था और आगे करता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को देखकर आप जान ही गए होंगे कि लोगों को बहलाकर फुसलाकर कैसे अदर कंपनी के अंदर ले जाया जा रहा है और वो फिर वेस्टिज के अंदर वापस आ रहे हैं। वीडियो को इतना शेयर करो कि ये वीडियो सभी लोगों के पास में पहुंच जाए और इनकी काली करतूतों के बारे में सभी लोग जान जाएं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि आगे और खतरनाक वीडियो आने वाली है। थैंक यू सो मच दोस्तों। विश यू वेल्थ।